दिल्ली के भजनपुरा से गाजियाबाद के मोदी नगर के सीकरी कला मेले में आए एक ही परिवार के 9 लोग जहर खुरानी का शिकार हो गए। 8 लोगों को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी की हालत स्थित गंभीर बताई गई है। 1.5 वर्षीय एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बता दें कि शाम को सभी लोग मेला देखने आए थे। रात में 11 बजे के बाद सब लोग मेले से घर में लाए हुए खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और सभी को सॉफ्ट ड्रिंक देते हुए कहा कि ये मंदिर का प्रसाद है। परिवार के लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली और पीने के तुरंत बाद ही सभी बेहोश हो गए। धर्मवीर ने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही सभी बेहोश हो गए और जब होश आया तो पाया कि उनके पास जो भी सामान, नकदी और जेवरात थे सब गायब है। झांसी में थाना प्रेम नगर झांसी के अंतर्गत महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। आज श्रीमती ममता अहिरवार पत्नी श्री हरिशंकर अहिरवार निवासी हीरापुर नगरा थाना प्रेम नगर की रहने वाली महिला ने बताया कि उसके बगल में रहने वाले रवि कन्हैया आदि लोगों ने पहले विवाद किया था, जिसकी FIR महिला ने पहले भी दर्ज कराई थी। वहीं फिर उपयुक्त लोग द्वारा उसके घर में घुसकर सरिया डंडों से महिला की पिटाई कर दी गई और पैरों पर भी प्रहार किया गया। उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया और गाली गलौज घर में घुस के मार रहे थे। कौन थे वो? पड़ोसी थे हमारे। आपके बगल में ही रहते? हाँ, 2-3 घर छोड़ के रहते। किस बात पे झगड़ा हुआ? पता नहीं, किसी भी बात नहीं, बस वो होली थी उस दिन, होली की वजह से थोड़ा झगड़ा हो गया था। बस उसी चक्कर में सब लोग आए, मार रहे हम लोगों को। मारा पहले इन्हें, हमारे हस्बैंड को मारा और फिर उसके बाद हम लोगों को मारा। मारा आपको? हमें सरिया से मारा, लोहे के सरिया से, और डंडे डंडे लेके आए थे। उसकी मम्मी थी और उसके 3-4 भाई थे, उसका चाचा था, सब लोग थे। मारने वाले कौन थे, क्या नाम? मारने वाले का सुमित, कन्हैया, रवि, रोहित और क्या सिब्बू नाम है उसका। प्रार्थी ग्राम सिया थाना करवाई तहसील गरौठा जिला झांसी के मूल निवासी हैं। विपक्षी गण बहा के दबंग पंडित हैं, जो महिला और महिला के परिवार वालों को आए दिन परेशान कर रहे हैं। 30 मार्च शाम के समय विपक्षी दल लाठी डंडा लेकर घर में घुसा और महिला के पति और पुत्र पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, उनको मारने लगे। वही उनको मुसल्ला कहकर गांव छोड़कर पाकिस्तान भाग जाओ कहने लगे। उसके पति और बेटे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और गिर पड़े। वहीं विपक्षी धर्मेंद्र ने महिला को धक्का मार दिया, जिससे महिला भी गिर गई और दबंगों ने 112 नंबर पुलिस बुलाई, जो कि महिला का कहना है कि उनके घर आती जाती रहती है और महिला के पुत्र को अपने साथ थाने ले गए और 151 का चालान कर दिया। कुछ झगड़ा नहीं है, ये वो लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं सर। कौन लोग? पंडित हैं। क्या नाम है पंडित? उसका रघु नाम, उसके बाप का राज। क्यों परेशान कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगले साल उनकी कंप्लेंट करी थी तो एक साल वे चुप रहे और इस साल और ज्यादा कर रहे हैं। तो इस साल आपने क्या कंप्लेंट करी है? नहीं करी, उन्हीं लोगों ने कंप्लेंट करी पहले से। वो 100 नंबर लगाई तो हमारे लड़के को पकड़वा दिया उधर और लड़के की जमानत करा ली, तो फिर दूसरे से कह रहे मुकदमा रख दिया। बाहरी उत्तरी जिले के अंतर्गत नरेला के B4 पॉकेट 13 में ये मामला सामने आया है। यहाँ एक भरत नाम का शख्स 6 अप्रैल से गायब था, जो रिक्शा चलाने का काम करता था और तब से ही परिजन उसे तलाश कर रहे थे। परिजनों ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और परिजनों का आरोप है कि वो परिजन की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति एक गरीब रिक्शे वाला था। वो 3:30 बजे निकले यहाँ से, उनके पीछे कोई रिक्शा वाला और एक लड़का लग गया यहीं से, और वो रिक्शा वाला उधर से निकला और ये इधर से निकले। कॉलोनी की 2-4 लेडीज थे उसमें, आगे जाके वो रामलीला मैदान पे वही रिक्शा वाला फिर से मिला। उसने नरेला तक मेरे पति का पीछा किया, वहाँ तक पीछा करके वो जो उसने अपना एक पैसेंजर दे रखा था मेरे पति के रिक्शे पे, वो पैसेंजर उसको पंजाबी कॉलोनी उतरा था, वो नहीं उतरा, वो नरेला तक साथ गया मेरे पति के। फिर वहाँ से वो नरेले में भी नहीं उतरा जहाँ आधार कार्ड, जो हमारे गाड़ी पे जो बैठे थे फिर उनको आधार कार्ड बनवाना था, उतरना था, वो लोग उतर गए मगर वो लड़का नहीं उतरा। वो लड़का फिर से उसी रिक्शे में बैठ के रिटर्न हुआ लगभग 5 बजे के बाद से हमारा पति का मोबाइल स्विच ऑफ होने लगा। उसके पास आज हम कहते हैं हमें हमारे पति को मारा गया, हमारे पति का मर्डर।
अलीगढ़ के थाना दादू क्षेत्र के गांव नगला लाले में गांव की पैमाइश करने तहसील अतरौली की टीम पहुंची थी। देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान कासगंज निवासी बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर पथराव कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर वृद्ध की हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों थाने में 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सुकुमार कागजों में दर्ज है, उसको लेकर जो है प्रार्थना पत्र विभिन्न पक्षों द्वारा दिया गया था और उस प्रार्थना पत्र के क्रम में राजस्व टीम जो है वहाँ पर आके पैमाइश करने आई थी और मौके पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार जो है उनके नेतृत्व में टीम थी, पैमाइश वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जैसा कि मैं मुझे बाद में जानकारी मिली, मैं मौके पर आने में पता चला कि एक किसान एक पक्ष जो था उनके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पर आए हुए थे और उसमें से एक वृद्ध रिश्तेदार जो है उनको या तो हार्ट अटैक हुआ है या कुछ कोई बात हुई है। हालांकि कुछ पक्षों का ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने धक्का दे दिया है, जैसे भी है उनको जो है और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके को लेके जो है लोगों में थोड़ा सा उत्साह था, थोड़ा सा आक्रोश था। वही खबर अलीगढ़ से है, जो तेज गति से आ रही मैक्स ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मैक्स चालक फरार हो गया। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब पड़ताल में जुटी हुई है। ये बता दें कि पूरा मामला महुआ खेड़ा क्षेत्र का है। हम आ रहे थे अकरवाद करैला से, आ रहे थे गांव से जी। अकरवाद दुकान हमारी जनसेवा केंद्र पर, उस पर मैं काम करता हूँ, पवन की जनसेवा केंद्र जी जी। तो हम अलीगढ़ जा रहे थे, थोड़े काम थे। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ आप लोगों का? एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पट्टी के सामने, जो हवाई पट्टी के सामने। कहाँ से हुआ था? अरे आगे से अलीगढ़ माव से आ रही थी एक गाड़ी मैक्स। क्या लोग थे आपके साथ? हम 3 लोग थे एक गाड़ी पर। चोट किस किस की आई है? चोट 2 भाइयों की आई है, मेरी थोड़ी आई है, थोड़ी सी अभी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के जनपद में मैनपुरी में नवरात्र के दौरान माता रानी के दर्शन करके वापस घर जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। शनिवार देर रात हुए हादसे में 2 श्रद्धालु की मौत हो गई। श्रद्धालु से भरी DCM शनिवार देर रात अनियंत्रित होकर मकान में घुस गई। वहीं मौके पर श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गाड़ी ड्राइवर ने क्या बात हुई गाड़ी? अच्छा, किस में बैठे थे आप लोग? DCM में। कितनी संख्या रही होगी? संख्या होगी 100-150 आदमी। 100-150 आदमी DCM में? हाँ। कहाँ से कहाँ गए थे? अल्मोड़ा से निवास तक। ठीक है, निवास से अल्मोड़ा तक। फिर क्या घटना हुई है? उसमें गाड़ी आगे सेकंड टक्कर मारी है। पता देवी देवी लेजा चढ़ा के आ रहे थे घर वापस। किससे थे? DCM। DCM घर गांव पहुंच पाई तो एक घर पे जाके टकरा गई। कैसे टकरा गई? ज़्यादा तेज थी, अनियंत्रित हो गई। उसमें कितने की मौत हो गई, कितने लोगों की? 2 की तो मौत हो गई। 2 की मौत हो गई। घायल कितने थे? घायल लगभग 13-14 घायल। 13-14। जालौन की SOG और सर्विलांस पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने IPL में सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से पुलिस ने 22 लाख रुपए, मोबाइल और LED TV भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया और साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ने 2 सटोरियों को पकड़ा है जो कि IPL में सट्टा खेलने का काम करते थे और ऐसे करके ये गरीब व्यक्तियों का दोहन करते थे, जिनको सट्टे का लत लगाकर उनके पैसे ये जो है गबन करते थे और उसके साथ ही उनका जीवन भी खराब करते थे। लोग अपनी काफी मेहनत की कमाई की गाड़ी कमाई की के पैसे सट्टे में लगा देते थे और ये प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह करते थे और ऐसे ही अवैध धन अर्जन किया करते थे। तो आज इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एक का नाम है कौशिक शुक्ला और दूसरा है श्याम सुंदर और दोनों कालपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि कौशिक शुक्ला पहले भी इसके 2020 में सट्टे में जेल जा चुका है। इसके पास से इन लोगों के पास से कुल रकम जो है लगभग 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से विवेचना कर लौट रहे उप निरीक्षक हृदय गति रुकने से मौत हो गई।
इलाज के लिए मेरठ स्थित निजी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही शख्स ने आखिरी सांस ली। उपनिरीक्षक की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं अलीगढ़ के खैर कोतवाली में तैनात ये उपनिरीक्षक थे। इनका नाम प्रदीप था, जो कि अलीगढ़ पुलिस ने 2 मिनट का मौन रखकर इनके लिए शोक जताया। खबर अलीगढ़ से है, जहां अज्ञात कारणों से कई मकानों में आग लग गई, जिसके बाद हजारों का माल जलकर खाक हो गया। 2 मवेशियों की भी आग में झुलसकर मौत हो गई। सूचना पर घंटों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची थी। ग्रामीणों ने एकत्र होकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला चंडौस थाना क्षेत्र के नगला पदम का है। आग की हमें नहीं मालूम, हम तो जंगल में खेत काट रहे थे, जब हमें मालूम पड़ी तब आए। कितना नुकसान हुआ? लगभग लगभग 2 पशु जल गए जी हमारे, और ये जो आपके सामने ये जल गया, फायर बिटोरा है, मकान में भी पहली तरफ आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी आपने? हाँ दी थी, फोन ही नहीं लग रहा, फोन लग रहा है तो अभी आए नहीं है। नौजीर थाना क्षेत्र में शरारती तत्व फिजा बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। विदित हो कि नौजील कस्बे में कल मस्जिद में किए जा रहे निर्माण को रुकवा कर पुलिस ने मामला शांत कराया। शनिवार रात एक मजार की दीवार तोड़ दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौजील थाना क्षेत्र के नौजील गौमत मार्ग पर स्थित चांद शाह की मजार है, जिस पर एक समुदाय के लोगों की भीड़ देखी जाती है। ये रात कुछ अराजक तत्वों द्वारा गांव की भिजा बिगाड़ने के उद्देश्य मजार को तोड़ा गया, और उसके बाद जो हमारे सीओ साहब भी आ गए हैं जी, और कोतवाल साहब भी आ गए इंस्पेक्टर साहब जी, जिसे दोबारा रिपेयर करा दिया है। सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकोरिया में घूस की बिक्री को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाबूलाल निवासी सरकोरिया ने होरीलाल निवासी सरकोरिया को भूसा बेचने के लिए गए थे। पैसों के लेन देन को लेकर रविवार की रात करीब 8 बजे दोनों पक्षों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें दोनों पक्षों में से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर मैनपुरी से है, जहां प्लॉट के विवाद के चलते चाचा की हत्या भतीजे ने धारदार हथियार से कर दी। इस घटना को भतीजे ने अंजाम दिया। वही घटना के बाद से भतीजा फरार हो गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि ये पूरा मामला मैनपुरी सदर कोतवाली के नगला पजावा का है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपूत टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, एमएक्स प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, आईपीटीवी गैलेक्सी, फास्ट अवे, आईपीटीवी और रॉक क्यू टीवी पर।